चलिए तो हम लोग समसामयिक की घटना चक्र में अभी तक पिछले लेक्चर तक बात कर चुके हैं हम लोग विधि और विधायी तंत्रों के बारे में, जो न्याय से संबंधित तथ्य थे उन्हें देख चुके हैं। अब बात करते हैं वर्ष दिवस सप्ताहों के बारे में। ठीक है, याद रखिए, फिर से बता दें आप लोगों को, ये जितने भी लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं हमारे, हम लोग समसामयिक की घटना चक्र 2019 की प्ले लिस्ट में रखते जा रहे हैं, जिससे आप लोग कभी भी देख सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए देखते हैं विश्व शौचालय दिवस, तो याद रखना 19 नवंबर 2019 को इसका मुख्य विषय रहा है कोई पीछे ना छूटे। ठीक है, याद रखना विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है, कोई इसका विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है, कोई पीछे ना छूटे। बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, इसका विषय क्या रहा है, परिवार और मधुमेह। फिर अगला है शांति एवं विकास हेतु विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया, इसका विषय रहा है ओपन साइंस, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, फिर है वर्ल्ड सिटी डे, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है, इस बार की थीम रही है इसकी दुनिया को बदलना, भावी पीढ़ियों के लिए नवाचार और बेहतर जीवन। फिर है चौथा आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर 2019 को, उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष धनवंतरी दिवस धनतेरस के दिन यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। फिर है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की थीम रही है, विषय रहा है हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य, एक भुखमरी रहित विश्व के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन। ठीक है, याद रखना। फिर है उसके बाद विश्व विद्यार्थी दिवस, याद रखना 15 अक्टूबर को मनाया गया, यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर है ग्लोबल हेड वॉशिंग डे, ये 15 अक्टूबर को, सब इसका थीम रही है इसके लिए सभी के लिए स्वच्छ हाथ। ठीक है, फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया, इस बार की थीम रही है या विषय रहा है गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। ठीक है, फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया, विषय रहा है आत्महत्या का रोकथाम, आत्महत्या की रोकथाम। ठीक, फिर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, तो ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया, थीम रही है चंद्रमा सितारों के लिए प्रवेश द्वार। फिर है विश्व पर्यावास दिवस, तो 7 अक्टूबर को मनाया गया, ये अक्टूबर माह का पितम सोमवार को मनाया जाता है, विषय रहा है फ्रॉन्टियर टेक्नोलॉजीज एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू है वेल्थ। ठीक, फिर है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बार की विषय रहा है इस बार का युवा शिक्षक फिर से भविष्य। फिर वन्य जीव सप्ताह, तो ये 2 अक्टूबर 2018 को, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2019 के बीच मनाया गया, तो मुख्य विषय क्या है, जल के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, थीम रही है इस बार की मुख्य विषय द जर्नी टू एज इक्वालिटी। फिर है विश्व हृदय दिवस, ये 29 सितंबर को मनाया गया, मुख्य विषय रहा है, थीम रही है माई हार्ट योर हार्ट। फिर है विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया गया, मुख्य विषय रहा है पर्यटन एवं रोजगार सभी के लिए बेहतर भविष्य, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए भारत नई दिल्ली को मेजबान देश चुना गया था। फिर विश्व समुद्री दिवस, ये 26 सितंबर को मनाया गया, ये सितंबर माह का अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार का मुख्य विषय रहा है समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में, तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार का मुख्य विषय रहा है शांति के लिए जलवायु कार्रवाई। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में, तो
ये 15 सितंबर को मनाया गया। मुख्य विषय है सहभागिता। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को मनाया गया। विषय रहा है इस बार का साक्षरता और बहुभाषावाद। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को मनाया गया। मुख्य विषय रहा है परिवर्तनकारी शिक्षा। फिर है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो तिथि है 28 जुलाई को मनाया गया। मुख्य विषय है हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश। फिर उसके बाद है विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को मनाया गया। इस बार की थीम रही है लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। बात करते हैं अगला, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये 26 जून को मनाया गया। इसका विषय रहा है न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 21 जून को मनाया गया। विषय रहा है जलवायु कार्रवाई के लिए योग, योग ठीक। फिर विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को। इसका स्लोगन है सभी के लिए सुरक्षित रक्त। इस वर्ष इस विषय के लिए मेजबान देश रवांडा था। बात करते हैं विश्व बाल श्रम दिवस, श्रम निषेध दिवस, 12 जून को। इसका विषय रहा है बच्चों को क्षेत्रों में नहीं बल्कि सपनों पर कार्य करना चाहिए। फिर उसके बाद विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया गया। लिंग और महासागर इसकी थीम रहा है, विषय रहा है ठीक। फिर प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को मनाया गया। विषय रहा है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। फिर विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। वायु प्रदूषण को समाप्त करना, इस वर्ष चीन देश इसका मेजबान देश रहा है ठीक। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया गया। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। और विषय रहा है इसका थीम रही है हमारा, हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया गया। इसका विषय है लोकतंत्र के लिए मीडिया, दुष्प्रचार के समय पत्रकारिता और चुनाव। फिर उसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल को मनाया गया। इस बार का विषय है गोल्ड तक पहुंचे बौद्धिक संपदा और खेल। फिर विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को मनाया गया। विषय है मलेरिया का उन्मूलन हमारे प्रयास से संभव। फिर अगला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल को मनाया गया। वर्ष शारजाह है, संयुक्त अरब अमीरात शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है, याद रखना। फिर विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया गया। हमारी प्रजाति की रक्षा के लिए इस बार की थीम रही है। फिर विश्व क्षय रोग दिवस, तो याद रखना 24 मार्च को मनाया गया। मुख्य विषय रहा है यही समय है ठीक है। फिर अगला विश्व मौसम दिवस, मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को मनाया गया। इसका मुख्य विषय रहा है सूर्य, पृथ्वी और मौसम ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख दिवसों के बारे में, तो राष्ट्रीय दूध दिवस, ये 26 नवंबर को मनाया गया। विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह, तो ये 13 से 19 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 16 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को। निःशस्त्रीकरण सप्ताह, 24 से 30 अक्टूबर तक। विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 15 अक्टूबर को। 50वां विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस, 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को। विश्व रेबीज दिवस, 28 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 26 सितंबर को। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, 21 सितंबर को। विश्व प्रथम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये 17 सितंबर को। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 10 सितंबर को। विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को।
विश्व स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, तो याद रखना 30 30 जून, ठीक है। फिर सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया 29 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवक दिवस 23 जून को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अर्थओवर 30 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च, वर्ल्ड स्लीप डे 15 मार्च को मनाया गया, विश्व किडनी दिवस 14 मार्च, फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। याद रखना अभी तक 19 जनवरी तक देख चुके हम, ठीक है, जनवरी के 19 के थे सभी जनवरी तक, अब ये जितने भी हैं दिसंबर, दिसंबर से पीछे 2018 के, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2018 को, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2018, किसान दिवस 23 सितंबर, सॉरी 23 दिसंबर 2018, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर 2018, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2018, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर 2018, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2018, ठीक। फिर विश्व जल दिवस तो याद रखना 22 मार्च, इस बार की थीम रही है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक, 22 मार्च 2019 को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस तो 21 मार्च को, इस बार का विषय रहा है वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखना, फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को, मुख्य विषय है समान सोच, सोचें स्मार्ट बनाएं, बदलाव के लिए नया करें, फिर उसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2019 को, इसका विषय है पानी के नीचे जीवन लोगों और ग्रह के लिए, फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, इसकी थीम रही है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, फिर उसके बाद आता है विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को 2019, मुख्य विषय है संवाद सहिष्णुता और शांति, फिर है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, मुख्य विषय है आई एम एंड आई विल, ठीक, फिर है विश्व आद्यभूमि दिवस 2 फरवरी को, इस बार की थीम रही है आद्यभूमि और जलवायु परिवर्तन, फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2019, मुख्य विषय है एक उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, फिर है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, इसी दिन वर्ष 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, फिर विश्व बेल दिवस 4 जनवरी 2019 को, उल्लेखनीय है कि यह दिवस बेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस बेल फ्रांस के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2019 2018 को मनाया गया, इसका विषय रहा है गरिमा के साथ प्रवासन, ठीक है। ये थे हमारे वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और वर्ष, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग पुस्तकों के बारे में, जो 2019 में 18 में चर्चा में रही है पुस्तकें, उन्हें देखेंगे हम लोग, ठीक है।